बातें बोलिए। विक्रम, पता नहीं आज सुबह से अंतरा को क्या हुआ है। वो न कुछ खा रही है न खेल रही है, बस रोए जा रही है, चिल्ला रही है। मैं इस वक्त अभी शहर में नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? देखिए, उसका ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए। उसके सामने पेंटिंग करने बैठ जाइए या उसके सामने कैरम खेलिए। देखिए, आपको कई चीजें ट्राई करनी होगी। अच्छा, ठीक है। चलो, भगवान का शुक्र है कि अंतरा मिल गई। लेकिन वो खोई कैसे? मेरी लापरवाही की वजह से। या? हाँ, आदित्य तो यही कहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखी, क्योंकि मैं अंतरा की माँ नहीं। हेलो मम्मी, अंतरा कब से रो रही है? जल्दी आ जाओ, चिल्ला रही है, बहुत गुस्सा भी हो रही है। हाँ, अभी मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ ना मम्मी। चुप हो जाओ अंतरा, चुप हो जाओ। मम्मी, अंतरा रो रही है, चिल्ला रही है। चुप हो जाओ, वो देखो मां। अंतरा, 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 अंतरा। मुझे बताओ कि ये कौन है? वैद्या। यस। सुबह से कम 100 बार पूछ चुके हो, इतना क्या खुश हो रहे हो? विद्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अंतरा सवालों के जवाब दे रही है। दे रही है ना, तो अब बस करो। क्या हुआ? आपने मुझे सुबह फोन करके कहा कि तुरंत घर आ जाओ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसे। आइए बैठिए। देखिए, अंतरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहां एक चीज दिखाने के लिए बुलाया। क्या अंतरा? ये देखो, ये कौन है? वैद्या। वाह, अंतरा सवाल का जवाब दे रही है, इसका मतलब थेरेपी काम कर रही है। देखा, ये बच्चे भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं माँ बाप को कहता हूं, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हो कि जिंदगी खत्म हो जाती है, नए रास्ते खुलते हैं, हम इन बच्चों के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर, अब हम और अंतरा के लिए क्या कर सकते हैं? यस, अब हम इसका अगला लेसन शुरू करेंगे। हम घर की हर चीज पे लेबल लगाएंगे, घर की हर चीज पे उसके नाम का एक चिट लगाएंगे। एक्चुअली आदित्य, मैं कह रहा था कि अब अंतरा की थेरेपी हम घर पर ही कर सकते हैं, जिससे उसको अपने माहौल को समझने में आसानी होगी। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से संभव हुआ है, वरना अंतरा को लेकर क्या करना है ये मैं कभी समझ ही नहीं पाता। आज कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए। एक काम करते, आज रात को बाहर खाना खाने चलते। डॉक्टर साहब, आपको भी चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसे आप अपने परिवार तक ही सीमित रखिए। सोचिए, अगर मैं अपने हर बच्चे के साथ डिनर पर जाने लगूं, तो मैं कभी घर पे खाना ही नहीं खाऊंगा। तो मुझे चलना चाहिए, क्लिनिक पहुंचना है। हाय अंतरा, इसका जवाब एक दिन मिलेगा।